कई बार ऐसा होता है कि हम कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हम अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या आईडी प्रूफ में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसका तभी तो हमको कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बोलता है भैया कोरोना सर्टिफिकेट लाओ, आप देते हो तो वहाँ पे आपको आईडी से मैच करता है, तो वहाँ पे आपका आईडी से मैच नहीं होता है क्योंकि आप गलत लिखाए होते हैं कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने टाइम में। तो वहाँ पे आप जो भी गलती होता है तो वो आपका प्रॉब्लम का फेस वहाँ पर करना पड़ता है जहाँ पे आपको प्रूफ मांगा जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपके कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में जैसे आपका नाम गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलती है, एज गलती है, या आपको कोई भी सर्टिफिकेट में कोई भी करेक्शन कराना, जैसे आप कुछ दिए हैं और उसमें आपका जैसे आधार कार्ड दिए हैं, अगर आपको पासपोर्ट लगाना है तो उसको आप कैसे लगाएंगे, अगर आप पैन कार्ड लाना चाहते हैं, अगर आप जो है वोटर आईडी दिए हैं या आप आधार कार्ड दिए हैं तो वो लगाना चाहते हैं तो आप कैसे उसको लगाएंगे। तो मैं आपको ये सभी स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप इस समय से कोई भी करेक्शन कराना चाहते हैं, जैसे आपका नेम गलती हो गया कोरोना वैक्सीन लगाने टाइम में, अगर आप नेम में करेक्शन कराना चाहते हैं या एज में या आपका ईयर ऑफ बर्थ में, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही ट्रिक दिखाने वाला हूं जिस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से आप जो है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में अपना करेक्शन करवा सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप कोई भी करेक्शन कैसे करवाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप कोई भी करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई भी गलती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, तो आप बहुत ही आसानी से उसको करेक्शन कर सकते हैं और आपको 3-4 मिनट में वो सर्टिफिकेट सुधार होकर आपको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जैसे मैं यहां पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहां पे आपको डालना है CoWIN, इसे डालिए। यहाँ पर देखिए CoWIN.gov.in का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर देना है। यहाँ देखिए डेस्कटॉप मोड में ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 3 डॉट आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर एंड साइनिंग योर सेल्फ का है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये नया पेज ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये पेज आपके सामने में यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आप रजिस्टर किए हैं, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर देखिए OTP आ गया और यहाँ पर देखिए 6345 96 है, तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद सिंपली आपको कुछ यहाँ पे 80 सेकंड का टाइम मिलेगा, उस 80 सेकंड के अंदर में आपको यहाँ पर डाल के यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो रजिस्टर किए हुए हैं जिस मोबाइल नंबर से, ये यहाँ पे आपका ओपन होके आ चुका है। और यहाँ पर देखिए मैं इतने मेम्बर को ऐड कर रखा हूँ, तो आप एक आईडी में 4 मेम्बर को ऐड कर सकते हैं। आप अपने जैसे ये सर्टिफिकेट है उसमें नाम गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आपको गलत हो जाता है तो उसको आपको सुधार लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। जैसे आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे चेक होगा सर्टिफिकेट, वहाँ पे नाम गलती रहेगा, डेट ऑफ बर्थ गलती रहेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो उसको सुधारने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से अपने सर्टिफिकेट में सुधार कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा राइस एंड इशू, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेंबर जितने मेंबर ऐड कर रखे, जैसे आपको एक रजिस्टर किए हुए हैं तो उसमें 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ सेलेक्ट मेंबर का और यहाँ पर देखिए मैं 4 मेंबर को ऐड कर रखा हूँ। अब इसमें से आपको किसका नाम या डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी सुधार करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको यहाँ पे सुधार करना है यहाँ पे शिव शंकर पासवान को, जैसे यहाँ पे इस वाले में क्लिक करूँगा। या देखिए शिव शंकर पासवान आ चुका है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन इन सर्टिफिकेट, इस वाले को आपको क्लिक कर देना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर और
फ़ोटो आईडी नंबर, तो आप इसमें से क्या सुधार करवाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम नेम सुधार करवाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो आपको इसी तरीके से आपको इस पर क्लिक कर देना है जिसमें भी आपको करेक्शन करना है। अब यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है इंटर करेक्ट नेम, तो यहाँ नेम है तो मैं यहाँ पर नेम आ चुका। अगर यहाँ पर मैं ईयर ऑफ बर्थ पर डालूंगा तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटर करेक्ट नेम और यहाँ पर इंटर करेक्ट ईयर ऑफ बर्थ। इस तरीके से आप जिसको भी सुधार करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से, तो आपको वो सुधार होगा। ठीक है, तो जैसे हमको नेम ही सुधारना है तो हम यहाँ पे नेम वाले पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना नाम, जो भी नाम सही है, मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे शिव शंकर है तो यहाँ पे मैं शिव शंकर डाल देता हूँ। कुमार वहाँ पासवान था तो यहाँ पे पासवान जो है नहीं होना चाहिए था, वो गलती डाला गया है, तो यहाँ पे है शिव शंकर कुमार। तो इस तरीके से आप टिक लगा के यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको यहाँ से उसको सही कर लेना है। तो इसके बाद कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट करेक्शन, आपको नेम जो है ये नाम होगा और यहाँ सबमिट वाले पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज अंडर प्रोसेसिंग, तो ये अभी प्रोसेसिंग में, ये आपको 3 से 4-5 मिनट में आपका सर्टिफिकेट में नाम सुधार होके आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो भी मेरा पहले का था और जो सर्टिफिकेट जो शिव शंकर पासवान के नाम से था, और ये जो अभी मैं इसको जो चेंज किया हूँ तो आप शिव शंकर कुमार के नाम से होगा। तो मैं इसके लिए मैं बैक आता हूँ, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए कि मेरा ये सर्टिफिकेट है और यहाँ पर अभी तो मैं जस्ट केयर करवे किया हूँ, तो यहाँ पर देखिए पासवान है, शिव शंकर पासवान, यहाँ सर्टिफिकेट है। इस पहले को आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पहले पर क्लिक करते हैं तो ये जो है आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कि ऊपर में यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि जो मैं करेक्शन किया हूँ वो पहले का यहाँ पे है, और मैं आपको दिखाऊंगा बस 3-4 मिनट होल्ड करने के बाद जो मेरा यहाँ शिव शंकर पासवान से है और मैं इसको भी सुधार किया हूँ तो शिव शंकर कुमार के नाम से। तो आपको 3-4 मिनट होल्ड कर लेना है, 5 मिनट होल्ड कर लेना है, इसके बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ से आप बहुत ही ईजी तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जो भी करेक्शन किया है आपको 3 से 5 मिनट में वो करेक्शन होके आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके जो भी आप करेक्शन किए हुए हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आपको सर्टिफिकेट में सुधार होके आ जाता है और आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जिससे आप अपना सर्टिफिकेट में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, ईयर ऑफ बर्थ हो गया, इसके बाद महिला है पुरुष है, जैसे आप जेंडर है मेल है वो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप गलती से मिस्टेक कर दिए हैं तो अगर आईडी प्रूफ में कोई गलती है तो वो भी आप यहां से करेक्शन करवा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।